हेलो क्लास, आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द सब्जेक्ट मनी एंड बैंकिंग ऑफ क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट एंड इट्स पार्ट टू। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सचेंज। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सचेंज इज ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। इन एक्सचेंज देयर इज ऑलवेज द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ और गुड मनी और सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसफर देयर कैन नॉट बी एक्सचेंज। इट मीन्स डैट ट्रांसफर टेक प्लेस व्हेन द वेल्थ आर अवेलेबल। व्हाट इज अ वेल्थ? वेल्थ आर गुड मनी सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ दिस द वेल्थ आर नॉट अवेलेबल तो एक्सचेंज कैन नॉट टेक प्लेस। सेकेंड पॉइंट इज लीगल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। वेल्थ मस्ट बी ट्रांसफर लीगली। एनी वेल्थ ट्रांसफर इन एन इनलीगल वे कैन नॉट बी कॉल्ड वेल्थ। इट मीन्स डैट वेल्थ आर लीगल बट दे आर ट्रांसफर बाई इनलीगल वे तो इट कैन नॉट से डैट वेल्थ इज अ लीगल। वी शुड फॉलो रूल एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग। इफ वी डोंट फॉलो दिस रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर तो द वेल्थ मे आल्सो कम इन टू द इनलीगल वे एंड वेल्थ आल्सो कम इन टू द इनलीगल। थर्ड पॉइंट इज म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। वन साइडेड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सचेंज। इट मस्ट बी म्यूचुअल एंड डबल साइडेड। इसमें कह रहा है कि वेल्थ जो है जब दो पर्सन आर इन्वॉल्व फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। अगर एक पर्सन रेडी है ट्रांसफ़र करने के लिए अपना वेल्थ और दूसरा पर्सन नहीं है रेडी तो यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा। दोनों पर्सन को एग्री होना चाहिए फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ वेल्थ। फोर्थ पॉइंट इज़ वॉलेंट्री एंड फ्री ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। There need not be any pressure or coercions to transfer the wealth. It must be voluntary and without any fear of pressure. हम किसी भी person को के ऊपर fear और pressures के through wealth को transfer नहीं करा सकते, goods को transfer नहीं करा सकते, money को नहीं ले सकते, ना ही किसी को money कोई हमारे ऊपर pressure करेगा या fear हमारे अंदर create करेगा तो ना ही हम मनी ट्रांसफ़र करेंगे, ना ही लेंगे, ना ही देंगे। तो इट मीन्स डैट वॉलेंट्री ट्रांसफ़र शुड बी वॉलेंट्री एंड फ्री ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। अदर पॉइंट इज कंडीशन ऑफ एक्सचेंज। देयर आर फॉलोइंग कंडीशन ऑफ एक्सचेंज एंड द फर्स्ट पॉइंट इज देयर शुड बी अ टू पार्टीज। फर्स्ट कंडीशन इज फॉर द एक्सचेंज प्रोसेस मिनिमम टू पार्टीज आर अवेलेबल। विद मोर देन टू पार्टीज बट नॉट लेस देन टू पार्टीज। फॉर एक्सचेंज मिनिमम टू पार्टीज रिक्वायर अदरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ एक्सचेंज विल नॉट टेक प्लेस। आउट ऑफ टू पर्सन वन शुड बी अ गिवर एंड अदर शुड बी रिसीवर। इसमें दो पार्टीज एक्सचेंज के प्रोसेस में दो पर्सन को होना चाहिए, दो पार्टीज होना चाहिए। एक पर्सन को हम गिवर कहेंगे और दूसरे पर्सन को हम रिसीवर कहेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग होगा तो हम ये एक्सचेंज का प्रोसेस नहीं होगा, मतलब वो एक्सचेंज उसको हम नहीं कह सकते। सेकेंड पॉइंट इज देयर शुड बी एटलीस्ट टू कमोडिटीज। लाइक टू पर्सन There must be two or more commodities separately with them। जिस तरह से दो पार्टी ज़रूरी है किसी भी एक्सचेंज प्रोसेस के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, उसी तरह से दो कमोडिटीज, एटलीस्ट टू कमोडिटीज भी होना चाहिए। एक पर्सन है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक पर्सन है मिस्टर एक्स जो कि जिनको चाहिए राइस, और सेकेंड पर्सन है जिनको चाहिए मनी, और दोनों पर्सन जो है दोनों एक को मनी चाहिए और दूसरे को राइस चाहिए। अगर दोनों पर्सन एग्री होंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों पर्सन के पास कमोडिटीज होना चाहिए, एक पर्सन के पास मनी, दूसरे पर्सन के पास कमोडिटी।
तो तभी एक्सचेंज टेक प्लेस कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ गेन टू बोथ द पार्टीज। इन एक्सचेंज बोथ पार्टीज मस्ट गेट बेनिफिट। इफ एनी ऑफ द टू विल सफर लॉस देन ही विल नॉट एग्री फॉर एक्सचेंज। इट मीन्स डैट दोनों पार्टीज को प्रॉफिट होना चाहिए। दोनों पार्ट एक को जिसको नीड है पैसे की, तो उस पर्सन को पैसा मिल जाएगा, उसको उसका गेन मिल गया। और दूसरे पर्सन जिसको मेडिसिन चाहिए, जिसको राइस चाहिए या अदर्स थिंग चाहिए, तो उसको उसका बेनिफिटेड चीज़ मिल जाएगी। इट मीन्स डैट दोनों को गेन होना चाहिए, कोई एक ये नहीं एक को प्रॉफिट हो रहा हो दूसरे को लॉस हो रहा हो। फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सचेंज, बट इट कैन बी इंक्लूडेड इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसफर। फाइव पॉइंट इज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। एंड सिक्स पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ मस्ट बी इन अ लीगल वे। दिस थ्री पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सचेंज। सेवन पॉइंट इज देयर शुड बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। इट मीन्स बोथ पार्टीज मस्ट बी इन नीड ऑफ द ईच अदर गुड्स, अदरवाइज एक्सचेंज कैन नॉट बी टेक प्लेस। इस पर हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को देंगे। एक पर्सन है जिसको वीट चाहिए और दूसरा पर्सन है जिसको राइस चाहिए। अब एक दूसरों को एक्सचेंज करके अपना नीडेड जो थिंग्स होगी उसको मिल जाएगी। बट अगर एक पर्सन है उसको राइस चाहिए, दूसरा पर्सन है उसको कार चाहिए, तो उन दोनों प्रोसेस में जो है यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जिस कमोडिटीज़ की हमको ज़रूरत है वो कमोडिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये कंडीशन भी बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ की नीड हो वो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए एक्सचेंज प्रोसेस में। एट पॉइंट इज देयर शुड बी विलिंगनेस टू एक्सचेंज, विलिंगनेस बिटवीन द टू पार्टीज, अदरवाइज द एक्सचेंज कैन नॉट बी टेक प्लेस। विलिंगनेस होना चाहिए, एक चाहत होना चाहिए देने की। हम प्रेशर से नहीं दे सकते, हम फियर से नहीं दे सकते, मगर हम विलिंगनेस से दे सकते हैं दूसरे पार्टीज़ को। नाइन पॉइंट इज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी इज आल्सो एसेंशियल। इन द मॉडर्न टाइम द प्रेजेंस ऑफ मनी हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर एक्सचेंज, एंड एक्सचेंज विल नॉट बी पॉसिबल इफ देयर इज नो मनी। टूडे वी नो डैट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, एंड विदाउट मनी वी कैन नॉट परचेज, वी कैन नॉट परचेज वॉट वी वॉन्ट टू परचेज। तो मनी होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक कॉमोडिटी चाहिए, गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, बट मनी नहीं है तो ये एक्सचेंज जो है पॉसिबल नहीं होगा। आई थिंक दिस पॉइंट आर क्लियर। थैंक यू क्लास।